रोता हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा, सबर कर दिल हमारा वक्त भी आएगा आएगा, सबर कर असलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है यार। आज की ये वीडियो हम लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज से पहले मैंने ऐसी खतरनाक रिएक्शन वीडियो अपने ऊपर नहीं देखी। और हाँ, अगर कुछ खाने को पास पड़ा है ना तो उठा लो, भूख काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। भाई के चैनल का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डू चेकआउट। बाकी रिएक्शन वीडियो एंजॉय करो, मिलते हैं आगे क्लचेस के साथ। हम आज पहले रिएक्शन देने जा रहे हैं फॉलिंग स्टार गेमिंग पे, ठीक है। जिनको नहीं पता, मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा फॉलिंग स्टार गेमिंग बेस्ट प्लेयर, गोल्ड लेवल प्लेयर है, ठीक है, पाकिस्तान का, ठीक है। उन पर हम देने जा रहे हैं रिएक्शन, तो लेट्स गो। ईगो दिखाई जा रही है, ईगो 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 दिखाई जा रही है, ईगो ईगो मतलब ईगो को मार दिया, ईगो को डाउन कर दिया भाई फॉलिंग स्टार ने। यहाँ पर क्या कमाल किस्म का डाउन किया यहाँ पर, ओ भाई और बंदे आ रहे, और बंदे आ रहे यहाँ पर, यूएमपी के साथ मारने की कोशिश, और बंदे आ रहे, और बंदे आ रहे, आप कैसे मारे गए ये। ओ भाई नाइस, वन मोर डाउन, तीन डाउन कर दिया लड़के ने, तीन डाउन, तीन डाउन। ओ भाई नाइस, एक रह गया, एक अच्छा हील कर गया है। ओ भाई नाइस वन, क्या बात है यार, उसने तो क्रेटों से बत्तियां जला दी हैं, बत्तियां क्या हवा से, मतलब कुछ भी नहीं के अंदर। ओ भाई, ओ भाई क्या मारा खिड़की के अंदर से, लेवल यार कतई ऑसम। ओ भाई एचपी देख उसकी, डैश पे भी ठीक है। और गाना क्या उसमें लगा हुआ है। ओ भाई, ओ नाइस वन बैन, क्या बात है लड़के, क्या बात है, क्या बात है यार। यार मैं कहता हूँ कतई जहर किस्म का खेलता है यार ये लड़का, ये लोंडा तो उसम है। ओके, तो गाइज आपको इस भाई का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस भाई को मैं पर्सनली नहीं जानता, इन्होंने वीडियो बनाकर मुझे मेंशन किया, वीडियो मुझे पसंद आई तो मैंने वीडियो में ऐड कर ली। सो बाकी ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही मैं पेड प्रमोशन करता हूँ, आते हमारे क्लचेस के ऊपर। एंड भाई साहब ये वाला जो क्लच होने वाला है ना भाई साहब, ऐसा क्लच आप लोगों ने ना पूरी YouTube, पूरी TikTok के ऊपर नहीं देखा होगा, सच बता रहा हूँ। आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सीन देखो आप लोग। पहले तो ये बंदे यहाँ पर नेट वगैरह कर रहे थे, मैं इनसे बच जाता हूँ, सामने एक स्मोक डाल दिए ताकि सामने से कोई बंदा ना मारे। अब यहाँ पर देखो आपका भाई क्या करता है एंड क्या होता है, फिर देखो अब आपका भाई कैसे शिकार को जाल में फंसाता है। अब ये जो जगह है ना मेरी फेवरेट जगह है, और साथ में AKM और UMP कमाल, देखो भाई साहब ये क्या था यार। लास्ट वाला बंदा भी फ्री फायर में आ गया भाई साहब, तीन बंदे डाउन हो चुके हैं, चौथा बंदा यहाँ पर नीचे से नेट करा रहा होता है एंड ये अपने ही नेट से अपने टीममेट्स को मार देता है। खैर अब बारी थी इसकी पुश करने की, हाँ ये 1v4। ओ भाई साहब देखो साथ ही दूसरा बंदा मुझे मार गया, खैर 1v4 हो गया था तो इसीलिए मैंने बोला था ये 1v4 ना अलग होने वाला, समझ रहे हो। आते हमारे अगले 1v3 के ऊपर, और यहाँ पर आपका भाई ना बगी में बैठा होता है एंड सामने से एक बगी वाला बंदा पुश कराता है। आइए गाइस, तो यहाँ पर आपके भाई ने तीनों को डाउन कर दिया है, चौथे बंदे को यहाँ पर मैं देख रहा था बट मुझे चौथा बंदा यहाँ पर नजर नहीं आता। खैर उसके बाद मैं इनको फिनिश करा देता हूँ, आते हमारे अगले क्लच के ऊपर। अब आप लोगों ने यहाँ पर सामने वाले बंदे से अंदाजा लगा लिया होगा कि ये बंदे कितने ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर कितनी ज्यादा टफ फाइट होने वाली है। साथ ही यहाँ पर एक बंदा पुश कराता है, ओ भाई साहब क्या डैमेज दे गया यार ये बंदा, जल्दी से किट लगाते हैं। एंड इसके दूसरे बंदे को देखो भाई, जंप करके सामने विंडो से निकल आता है। ओ भाई साहब लुक एट माय HP, 1 HP, जल्दी से किट लगाते हैं एंड किट नहीं लगाने दे रहा था ये बंदा तीसरे वाला। तो यहाँ पर आपके भाई ने खेली चलाकी, पीछे आकर किट लगाते हैं। 1 HP के ऊपर फाइट लेना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, खैर यहाँ पर आपका भाई 1 HP के ऊपर ही फाइट लेगा, टेंशन नहीं लेनी।
अरे भाई मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई भाई, प्लीज रश मत करो। अब आपका भाई जैसे ही यहाँ पर किट लगा रहा होता है एंड साथ ही बंदा पुश कर देता है। ओ भाई साहब लुक एट माय एचपी, 0 HP भाई भाई। अभी यहाँ पर मेरे पास ना ही हीलिंग है, बैंडेज है, बैंडेज में यहाँ पर मारता हूँ, उसके बाद मेरे पास वेस्ट भी नहीं है। एंड देखो आपका भाई कैसे यहाँ पर 1v1 फाइट लेता है, यहाँ पर 10% तकरीबन मेरी हील हो जाती है एंड साथ ही बंदा पुश कर। ये यल्ला हबीबी गो टू लोबी माय फ्रेंड, भाई साहब। आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर। ओए सुन, वक्त वक्त की बात है, आज तेरा है कल मेरा होगा, और जब मेरा होगा तो सोच तेरा क्या होगा।